Good afternoon, this class. Today we will do short questions out of chapter 14. Our first question is What is a globe? Globe is a true model of the earth. Our answer is Globe is a true model of the earth. Second question is Name the poles of the earth. So, two poles of the earth are there. Number one, North Pole. Number two, South Pole. Question number third is Name the three important parallels of latitude beta. थ्री नहीं है ये फोर है फोर इम्पोर्टेंस ऑफ पैरट्स आएगा ये क्वेश्चन आपका गलत है द इम्पोर्टेंस पैरट्स ऑफ लेटिट्यूड आर नंबर वन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ आर्टिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंटार्टिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर द थ्री हीट जोन ऑफ अर्थ तो द थ्री हीट जोन ऑफ द अर्थ आर टोरिड जोन टेम्परेट जोन एंड फ्रीजड जोन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट इज़ द मेरिडियन फ्रॉम वेयर इज द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड द नॉर्थ साउथ लाइंस विच रन फ्रॉम पोल टू पोल आर द सेम लेंथ दीज लाइन्स आर कोल्ड मेरिडियन से मैंने आपको बताया था दिस इज़ आवर ग्लोब और यहाँ से ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है इससे ये बिल्कुल ऐसे लाइन साउथ पोल नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रही हैं ये इलाइ दिस इस तरह से ये सारी लाइन्स आपकी आ रही हैं तो क्वेश्चन मेरेडियन यही है हमारी जो सेंटर से आ रही हैं द नॉर्थ साउथ लाइंस विच रन फ्रॉम पोल टू पोल जो कि पोल से एक पोल से दूसरे पोल पर आ रही हैं आर द सेम लेंथ और इनकी सबकी जो लंबाई है वो कैसे सेम है दीज लाइन्स आर कोल्ड मेरिडियन इनको ही हम मेरिड बोलते हैं अब इसी के अंदर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया फ्रॉम वेयर इज द वर्ड ओरिजिनेटेड और जो मेरिडियन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन इज द वर्ड मेरीडियन इज़ डिराइव फ्रॉम द लेटिन रूट मैरी एंडियन मैरी एंडियन मैरी मीन्स मिडल मैरी मीन्स मिडल एंडियन मीन्स डे नो बेटा वी विल डू पार्ट एफ डिस्टिंगश बिटवीन द फॉलिंग यह हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो फर्स्टली है नदन हैमिस्फेयर एंड सदन हेमिसफेयर नदन हेमिसफेयर देखिए कौन सा है द अपर पार्ट ऑफ द ग्लोब इज़ नोन एज द नदन हेमिसफेयर जो हमारा ग्लोब है उसका या हमारी जो अर्थ है उसका जो अपर पार्ट है जो इक्वेटर इनको डिवाइड करती है टू हाफ इक्वल पार्ट्स में तो जो अपर पार्ट है डैट इज कॉल्ड नदरन हेमिसफेयर और जो बॉटम वाला है जो लोअर पार्ट है डैट इज़ कॉल्ड सदरन हेमिसफेयर तो देखिए सदरन हेमिसफेयर यही है द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब इज़ नोन एज द सदर्न हेमिसफेयर जो अपर पार्ट है डैट इज नदर और जो लोअर पार्ट है डैट इज़ सदरन हेमिसफेयर नाउ लैटीट्यूड एंड लॉन्गी वट आर लेटिट्यूड एंड वट आर आ लेटीट्यूड इज द एंगुलर एंगुलर मीन्स एंगल बनाते हैं जैसे आप मैथ्स में सम करते हैं ना एंगल वाले जोमेट्री वाले तो उसी तरह से आ लैटीट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर यानी कि इट मीन्स ये हमारी इक्वेटर है ये हमारे ग्लोब है और ये हमारी इक्वेटर है सपोज कीजिए आपको यहाँ कोई प्लेस निकालना है तो यहाँ से ये इस तरह से क्या है ये एंगल बनाएंगे एंगल इस तरह से एंगुलर तो ये एंगल जो है यही हमें बताएंगे कि वो जो प्लेस है वो किस एंगल पर है ठीक है तो ये एंगुलर बनाएंगे एंगल बनाएंगे तो अट्टीट्यूड इज़ द एंगर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस यानी कि किसी प्लेस से एंगुलर उनका डिस्टेंस कितना है एंगल के अंदर नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इक्वेटर से नॉर्थ में कितनी दूर है और इक्वेटेड से साउथ में कितनी दूर है तो यही क्या है हमारी लैटीट्यूड है अब देखिए लॉन्गीट्यूड लॉन्गीड मीन्स स्ट्रेट लाइन ओके वर्टिकल लाइन्स द नॉर्थ साउथ लाइन यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक द नॉर्थ साउथ लाइन्स विच रन फ्रॉम पोल टू पोल यानी कि एक पोल से दूसरे पोल पर जा रही है आर ऑफ द सेम लेंथ और इनकी जो लेंथ है वो भी सेम है पहले भी डिसूस कर चुके हैं हम दीज आर कॉल्ड लॉन्गीट्यूड्स नाव बेटा और नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट इज टोरिट जोन एंड टेम्परेट जोन टोरिट मीन्स हो टेम्परेट मीन्स मॉडरेट तो नाव टोरिट जोन दिस जोन लाइव बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन के बीच का जो भी एरिया वो सारा हमारा टोरिट जोन है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल जोन जिसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ और ये अर्थ पर सबसे हॉटेस्ट जोन है for understanding this statement see this diagram carefully beta c this is the tropic of cancer and this is the tropic of capricorn or between the place of these two latitude this all place is called torrid zone ye sara kya hai aapka torrid zone hai jo ye thoda sa aapka brownish color के अंदर है ये सारा आपका क्या है बेटा torrid zone है तो देखिए equator बीच में पड़ेगी और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर थी ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन की लाइन है और इसके बीच का जो सारा जो पार्ट है वो हमारा टॉरिड जोन है ओके और अब देखिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर से लेकर हमारे आर्टिक सर्कल के बीच वाला जो पार्ट है ये हमारा आएगा टेम्परेट जोन ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रोप आर्टिक सर्कल के बीच का पार्ट और यहाँ से ट्रॉप पिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्टिक के बीच वाला ये जो पार्ट है ये भी हमारा क्या है टेम्परेट जोन ये हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा ये हमारा साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन देर आर द टू टेम्परेट जोन ऑन द अर्थ द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्पिल भी मैंने आपको डाइग्राम के थ्रू बताया है वाइल्ड द साउथ टेम्परेट जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन एंड द एंटार्कटिक सर्कल दिस जोन आर नीदर टू वॉट नोट टू कोल्ड ना ही ये जोन ज़्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा है मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ पे नाउ स्टैंडर्ड टाइम है लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम क्या है बेटा द ऑफिशियल टाइम ऑफ अ कंट्री और एन एरिया यानी कि एक एरिया का ऑफिशियल टाइम जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवड है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम द टाइम ऑफ डे इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट मीन्स हम वर्ल्ड के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो डैट इज़ वो क्या कहलाएगा लोकल टाइम वंस अगेन द टाइम ऑफ द डे इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की वर्ल्ड के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के टाइम के बारे में हम बात करें डैट इज़ कॉल्ड लोकल टाइम ऑफ डैट एरिया बेटर राइट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड लर्न दैम In our next class, we will do long questions of this chapter. Thank you, but have a nice day.